नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी के डे टू के ऊपर आ चुके हैं। तो कल सबसे पहले जो कल के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट डे का टारगेट भी सेट करेंगे। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे वीडियोस के प्रति वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड हाउ इट कैन एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये दो पार्ट है, यहाँ पे चार नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। तो पहले तो आप सिंपल सा कंसेप्ट लिख सकते हो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट क्या है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बेसिकली तीन करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जिसमें हर एक सिटीजन जो है जिसको कैश मिलेगा, जो पेमेंट होगी वो अनकंडीशनल होगी, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, और उसके साथ साथ जो है वो हर एक इंसान की मर्जी होगी उस पैसे को कहाँ पे खर्चा करना चाहता है। अब इंडिया में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दो तीन एंगल में अनएम्प्लॉयमेंट लिंक हो सकती है। पहला, जो इंडस्ट्रीज के अंदर ऑटोमेशन आने की संभावना है और जो जॉब्स का स्ट्रक्चर फ्यूचर जो है वो 10-15 साल में जो चेंज हो सकता है, और इंडिया का जो लेबर जो कि ऑलरेडी अनस्किल्ड लेबर जहाँ पे मैक्सिमम प्रोपोर्शन है, तो उस वो अनस्किल्ड लेबर जो है वो फ्यूचर में आपकी एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो सकती है। तो फ्यूचर के लिए जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू अगर अराइज होता है तो वहां पे आप लोग जो है वो उसको इजिली एड्रेस कर सकते हो। दूसरा आपका जो लिंक कर सकते हैं हम, वो अनएम्प्लॉयमेंट का लिंक है पॉवर्टी के साथ। तो अभी भी जो सरकार की स्कीम्स है वो पॉवर्टी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो अगर पॉवर्टी को सरकार की प्रॉब्लम जो आपकी सब्सिडीज हैं वो नहीं एक तरह से सक्सेसफुली एड्रेस कर पाई है, तो बेटर यह है कि वहां पे भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है उसको एक्सटेंड किया जाए। तीसरा आपका जो एंगल आ सकता है वो आ सकता है एग्रीकल्चर। अब क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर मैक्सिमम डिपेंडेंसी है, मैक्सिमम लेबर जो है वो आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से जनरेट होते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 46-47% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर से आ रही है। तो एग्रीकल्चर जिस तरह से डिस्ट्रेस चल रहा है, जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, अगर कल को जो है वो और ज्यादा फार्मर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ, तब आप लोग जो है वो आपकी यूनिवर्सल जो बेसिक इनकम है उसको वहां पे एक्सटेंड कर सकते हो। इवन की एग्रीकल्चर में तो अभी भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे तीन एंगल आ गए। पहला, जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए आपको, उसके कारण आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी उसके कारण आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक्सटेंड करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस के कारण करना पड़ेगा और पॉवर्टी के कारण करना पड़ेगा। क्लियर? तो तीन एंगल थे, तीन एंगल यहाँ पे लिख के आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, एग्जामिन द मेरिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। देखिए, फर्स्ट आपका आ गया कि आपको मतलब बताना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है। देखिए, आसान भाषा में बताया जाए डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब यह है जहां पे यंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आ गया, एग्जामिन दी मेरिट्स। तो देखिए, जब एग्जामिन वर्ड दिया गया होगा तो एग्जामिन का मतलब है आपको पूरे का पूरा जो पॉइंट जब आप लिखोगे तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर स्टेटमेंट्स डालनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ कि एग्जामिन को किस तरह से आप लोगों ने अप्रोच करना है। तो यहाँ पर तीन एंगल आ गए, पहले आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की मीनिंग बताना है, उसके साथ आपको उसकी मेरिट्स और चैलेंजेस जो है उनको एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले तो आप चुपचाप जो आपकी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, दैट इज UNFPA, उसकी डेफिनेशन है डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर, आप वो भी लिख सकते हो। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप जनरल डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड लिख सकते हो। और अगर बात की जाए तो 2020 तक ऐसी एस्टिमेशन है कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन होगी वो 29 ईयर्स होगी, मतलब मैक्सिमम एज हमारी जो है वो क्या है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या होंगे, यूथ होंगे, तभी आपकी जो एवरेज पॉपुलेशन है वो 29 ईयर्स के आसपास है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि अगर मैं यहाँ पे हमेशा कंपेरेटिव स्टडी होती है कि अगर आपके पास यंग पॉपुलेशन है तो ऑन कॉन्ट्ररी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइना की 37 हो जाएगी, यूएस की 45 हो जाएगी, जो आपका जापान है उसकी 48 हो जाएगी। तो अब जब यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, तो या तो इंडियंस वहां पे जाके काम कर सकते हैं, तो वहां से जो काम है वो आपका आउटसोर्स हो सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडियन मार्केट में जो है वो बाहर वाली कंपनियों की भी क्या होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और IMF की एक एस्टिमेशन है जिसके अकॉर्डिंगली जो आपका इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इसको प्रॉपरली यूज किया जाए तो ये आपकी जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है, उसको कम से कम 2% इंक्रीज कर सकता है। दिस इज एग्जामिन। एग्जामिन में आपको हाउ, किस तरह से, अगर मैं बिग बूस्ट इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट जो आपकी इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट आ गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके यहाँ पे मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन होगी तो यंग पॉपुलेशन जो है वो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ में भी या ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग या ज्यादा प्रोडक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके कारण देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रमोट इकोनॉमिक पैरिटी। अब मान लो कि जितने ज्यादा लोग आपके यंग लोग होंगे, जिनके पास जितनी ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनेगी, तो इसमें जो इस टाइम पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, चाहे वो सोशल रीजन है, जो कोई और फैक्टर्स हैं, उसको भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ओवरकम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक इंसान को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जब, अगर हम इसको प्रॉपरली जो है वो उसका जो फ्रूट है वो उसको एक तरह से लेना चाहते हैं, या इसको जो है वो कंप्लीटली मैक्सिमम इससे आउटपुट जो है वो इस टाइम पे लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ सकती है जो कि करंट हमारा नेचर है, चाहे वो हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्योंकि लेबर आपकी अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर होगी तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। जिस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली चेंज हो रही है, नेचर ऑफ जॉब्स चेंज हो रहा है, तो अगर वहाँ पे स्किल्ड लोग नहीं रहेंगे ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है जो कि ऑलरेडी जिसके बहुत बुरे हाल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स फैकल्टीज या बाकी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है उनकी बहुत ज्यादा अभाव है, तो वहाँ उनके ऊपर जो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी जो रिसोर्सेज आपके हैं, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो उनके ऊपर जो है वो ज्यादा एक तरह से इंपैक्ट पड़ेगा। और जो यंग पॉपुलेशन है, जब मैक्सिमम आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको यूटिलाइज करोगे तो रिसोर्सेज की डिप्लीशन होने की पॉसिबिलिटी है, तो रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस रहेगा। अगर रिसोर्सेज आपको इक्वली नहीं मिलेंगे, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो देश में जो आपकी क्योस है वो क्रिएट हो सकता है, देश के लिए सही नहीं रहेगा, शांति और समृद्धि के लिए। क्लियर? तो इस तरह के जो चैलेंजेस और मेरिट्स हैं वो आप लोग देख सकते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड से। तो जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके पॉजिटिव भी होते हैं और उसके नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर? तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक सोल्यूशन लिख सकते हो कि किस तरह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो कि सरकार फोकस कर रही है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। तो इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है वो आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो। कंक्लूजन जो है वो आपका हमेशा सजेस्टिव होना चाहिए अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों ने कुछ भी मेंशन किया हुआ है। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो तीन चीजें देखी, आपने इंट्रोडक्शन देखा जिसमें सिर्फ डायरेक्टली आप लोगों ने एड्रेस कर दिया था डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, उसके बाद आपने दोनों को एग्जामिन किया, पॉजिटिव किए, नेगेटिव किए, उसके बाद आपने जब कंक्लूजन दिया तो आपने एक सोल्यूशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आल्सो डिस्कस द इश्यूज रिगार्डिंग न्यू जीडीपी कैलकुलेशंस एंड इट्स इंपैक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि इंडिया का पहले तो आपको स्टेट ऑफ इकोनॉमी बताना पड़ेगा, तो आप इसके डायमेंशन या ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट है वहां से कुछ फैक्ट्स जो इकट्ठे करने पड़ेंगे। वैसे भी आप लोगों को मेरी सजेशन है कि जो सर्वे आपका है उसके जितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग इकट्ठा कर सकते हो वो कर लो। आपको हर एक सेक्टर के ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इंडस्ट्री के ऊपर एक आर्ट आपको पता होना चाहिए कि बड़ा है, कम हुआ है और कितना परसेंट है, जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, लेबर के बारे में पता होना चाहिए, फॉरन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? तो कुछ चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे सर्वे से या जो रिसेंट डाटा है आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो पड़ा हुआ था उस डाटा को जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है। तो आप यहाँ पे जो है वो अलग अलग डायमेंशन ओपन कर सकते हो, आप बिल्कुल लेटेस्ट डाटा भी जो है वो पिक कर सकते हो, वैसे ही सारे का सारा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का ही डाटा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर हम दूसरा इसका पार्ट था जीडीपी कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जीडीपी कैलकुलेशन थी उसको थोड़ा सा चेंज किया। सबसे चेंज क्या किया, पहले हम लोग जीडीपी जो था उसको फैक्टर कॉस्ट के ऊपर डिटरमाइन करते थे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब था कि हम इन्फ्लेशन को नेगेटिव कर देते थे, फैक्टर कॉस्ट में एक स्टैटिक कॉस्ट जो होती थी उसको कंसिडर किया जाता था। अब इन लोगों ने उसको मार्केट प्राइस जो है उसके ऊपर कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं वो भी आपके प्राइसेस के अंदर ऐड होने शुरू हो गए, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके जीडीपी के अंदर ऐड होने शुरू हो जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे आपका पॉसिबिलिटी है कि जो आपका जीडीपी का ग्रोथ है वो एक तरह से इन्फ्लेट हो जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज क्या आ गई कि पहले ये लोग जब जीडीपी कैलकुलेट किया करते थे तब उसमें आईआईपी जो आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडेक्स होता है सिर्फ उसी को डायरेक्टली कंसीडर किया करते थे। अब इन लोगों ने क्या किया कि जो आपके 50,000 के आसपास बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनका एक इन्होंने एफसीए, ठीक है, सॉरी पार्डन MCA 21, MCA 21 जो है उसको रिलीज करना शुरू किया, जिसमें 50,000 के आसपास जो है वो आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि काफी आपकी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो कि हमने बाद में देखा है कि वो शेल कंपनीज निकली। अप्रॉक्सीमेटली जो NSSO का डाटा है जिसमें 36% जो आपकी एक्टिव कंपनी जो कि MCA के अंदर मेंशन है उनका कोई ट्रेस जो है वो नहीं मिल पाया है कि वो है कहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं। क्लियर? तो ये थोड़ी सी चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज है कि हम लोगों ने यहाँ पे बेस ईयर चेंज किया था, पहले बेस ईयर आपका 2004-05 हुआ करता था, अब हमारा जो बेस ईयर है वो कितना हो गया 2011-12, तो उससे भी कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ेगा। चौथी चीज क्या है कि गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर डाटा जो है वो आपका रिलीज किया तो गवर्नमेंट ने पिछले वाले जो डेट्स है उनका भी डाटा रिलीज किया और वहां पे उन्होंने पाया कि जो आपकी जीडीपी थी वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम हुई थी। क्लियर? तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आप लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो आपका जीडीपी का नया डाटा था इसके साथ देख सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया गया जिसके कारण आपका अननेसेसरी इन्फ्लेट हो रहा है। क्लियर? सेकंड हमने लिखा है कि जो ओल्ड मेथड है उसमें मैन्युफैक्चरिंग क्रॉप प्रोडक्शन को यूज किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने MCA 21 को यूज करना शुरू कर दिया जिसमें बड़ी बड़ी आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज है। यहाँ पे दो इशू है, पहला मैंने अभी आपको बताया कि एमसीए में 36% कंपनीज ऐसी हैं जो कि अभी हमें उनको ट्रेस ही नहीं मिल पाया है, तो डाटा आपका एक्यूरेट नहीं आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि एमसीए हम लोगों ने कैलकुलेट करना जो
वो 2008 से शुरू किया था, तो सरकार जो पुराना डाटा है 2006 7 8 का डाटा या 8 से पहले का डाटा, इवन कि 8 का डाटा भी किस तरह से रिलीज कर सकती है। क्लियर। पर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये आपका जो मेथड है वो ज्यादा रोबस्ट है, क्योंकि इसमें कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेस, सारे के सारे जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड हैं, उन सबको ऐड किया गया है। क्लियर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अगेन इसको आप लोगों को इस तरह से ब्रेक करना था, अप्रोच करना था। उसके बाद आ जाइए, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर इन इंडिया, डिस्कस इट्स वेरियस स्टेप्स, ये डिस्कस द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव पॉवर्टी। सेकंड पार्ट तो आसान है, फर्स्ट भी वैसे इजी है, फर्स्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यार, सबसे पहले पॉवर्टी की डेफिनेशन लिख लो इंट्रोडक्शन में, आप नॉर्मल इसको डिफाइन कर सकते हो कि पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है, उसके साथ साथ या पॉवर्टी का मीनिंग क्या है, उसके साथ साथ आप प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी की मल्टीपल डेफिनेशन है। आपका SECC का सेंसस डिफरेंट टाइप से पॉवर्टी को डिफाइन करता है, आपका जो तेंदुलकर कमेटी है वो डिफरेंट टाइप से करती है, केलकर कमेटी जो डिफरेंट टाइप से करती है, कभी कंजम्पशन के ऊपर किया जाता है, कभी एक्सपेंडिचर के ऊपर किया जाता है, कभी डेप्रिवेशन के ऊपर किया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रॉब्लम विद द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इवन कि पूरी दुनिया में भी कहीं भी पॉवर्टी की डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग जगह पे पॉवर्टी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है, कि कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर है, कि एक्सपेंडिचर के ऊपर है, कि डेप्रिवेशन के ऊपर है। तो हमारे यहाँ पे भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज प्रॉब्लम आती है फॉल्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे इंडिविजुअल्स के द्वारा, चाहे वहाँ के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रधान वगैरह हैं उनके द्वारा, या जो आपके ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, लोअर ऑफिशियल्स हैं जो कि नीचे लगे हुए हैं उनके द्वारा, कोई भी उनका वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकता है, करप्शन हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो आपकी पॉवर्टी का डेफिनेशन है उसमें कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है, जैसे कई जगहों के ऊपर तो तेंदुलकर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो एक्सटेंड हो रहा है, कई जगहों पे केलकर है, और आजकल इन लोगों ने SECC का जो डेटा है उसको पॉवर्टी में डिफाइन करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया है, और काफी ऐसी स्कीम्स आपकी ऐसी हैं जहां पे SECC का डेटा जो है वो उसको यूज किया जा रहा है। इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका इनफॉर्मल सेक्टर, जहां पे कभी पता नहीं लग पाता है कि कौन सा पुअर है नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सर्टेन आपकी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज जो रजिस्टर नहीं होती है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम आइडेंटिफाई करते हैं पुअर्स को इंडिया में। क्लियर। इसके साथ साथ आपका प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, और फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मान लो मेरे को पॉवर्टी लाइन जो है उसमें नहीं है मेंशन किया गया है, तो मैं कहाँ पे अपनी जो ग्रीवियंसेज है उसको प्रेजेंट करूंगा। क्लियर। आजकल थोड़ा सा इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपका SECC का डाटा है वो सारे का सारा ओपन पड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका एक्सट्रीमली पुअर है उसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो नहीं है, जिसके कारण वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्लियर। लेकिन अगेन ट्रांसपेरेंट है, ओपन पड़ा हुआ है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम पे पुअर के आइडेंटिफिकेशन में हम लोग फेस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पॉवर्टी में आप लोग देख रहे हो कि लोगों के अकाउंट्स होने चाहिए, बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, तो जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी आइडेंटिफाई करना सरकार के द्वारा मुश्किल हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह के जो पॉइंट्स थे वो फर्स्ट पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते थे। सेकंड में आप लोग जितनी भी स्कीम्स हैं, पुरानी स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो आप मेंशन कर सकते हो, इवन कि अगर इनकी स्कीम्स अगर आप दो तीन डाल दो तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे कुछ स्कीम्स है मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इसका PDF जो है वो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पे डाल दूंगा, और साथ में जो गूगल ड्राइव है वहां पे सारे के सारे आपको कलेक्टिव हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, 34th फाइल होगी आपकी, 34th फाइल जो आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगी। अभी तक अगर ऑन एन एवरेज बताएं हम लोग, तो हमने कम से कम 130 से 140 मेंस के क्वेश्चन जो है वो वीडियोज में डाल दिए हुए हैं, तो आप सारी की सारी चीजें जो वहां से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। वैसे सजेशन तो मेरी ये है कि जो आपका रिवीजन वाला फोकस, जो रिवीजन वाला चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश करिए कि हर रोज एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखने हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरह की अप्रोच जो है वो आप लोगों की रहेगी। और नॉर्मली जो इकॉनमी वाला है उसमें आप लोगों ने लास्ट के जो 7 8 9 महीने या 1 साल का करंट अफेयर उसको करना है, इंटीग्रेट करना है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो वीडियो सीरीज है उसमें जितने ज़्यादा करंट अफेयर उसको हम इंटीग्रेट कर सकें। क्लियर। अब देखिए अगला जो टारगेट है, कल का टारगेट आपका, दैट इज ट्यूजडे का, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी बैंकिंग, RBI, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, इसके ऊपर पूछा जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई इंडिया नीड्स अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, व्हाट लेसंस शुड बी लर्न्ड बाय इंडिया फ्रॉम ईस्ट एशियन मिरेकल, 120 वोट्स, 8 मार्क्स। Next is, what are the challenges associated with the functioning of Reserve Bank of India, 120 words, 8 marks. Next is, what is the difference between balance of trade and current account balance, 4 marks, 60 words. तो ये आपके टारगेट थे 4 क्वेश्चंस के, कल आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको करने की, तो कल हम इनके डिस्कशन के साथ साथ नया टारगेट आप लोगों के लिए फिक्स करेंगे। कुछ चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है जो आपका लाइन वाली शीट्स हैं उनके ऊपर काम करना है, ठीक है, A4 शीट्स नहीं, आपने जो लाइन वाली शीट्स होती है उनके ऊपर लिखने की कोशिश करनी है। क्लियर। उसके साथ साथ आप लोग हर रोज कोशिश करिए 1 2 क्वेश्चन लिखने की, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग हम लोगों को मेल कर सकते हैं, हम उस पर रिवर्ट करेंगे।
और अगर हमारी जो ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज तूफानी पहाड़ी 19@gmail.com। क्लियर? तो यहीं पे ही आज का जो वीडियो है इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।